नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे लेजर कीपर का एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें मैं आपको आंसर बताऊंगा जो करेक्ट आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ड्यूरिंग द ईयर 2013 ए बिजनेस कंसर्न अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ 42,000। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू बी कमीशन 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कमीशन चार्ज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2100 है। नेक्स्ट है, अनिल ड्रू ए विल ऑफ ऑन एक्स फॉर 30,000 फॉर 3 मंथ्स। प्रोसीड आर बी शेयर्ड इक्वली। ए गॉट द विल ऑफ डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम एंड द रिमिट ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोसेस टू बी द अमाउंट ऑफ सच रेमिटांस विल बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द इन्फ्लेशनरी कंडीशन डैश मेथड विल बी शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ अबव। इसका राइट आंसर होगा फिफो। नेक्स्ट आंसर है आपका फोर्थ, द अमाउंट पेड टू एन ऑथर फॉर द यूज ऑफ कॉपीराइट इज। तो इसका राइट आंसर है रॉयलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज अकाउंट इज इन। तो ये नॉमिनल अमाउंट है। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो इसका राइट आंसर है कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन। तो ये प्रैक्टिकलिबिलिटी होती है। इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक क्रेडिट सेल ऑफ 5,000 टू राम हैज़ बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। द रेक्टिफाई एरर, राम अकाउंट डेबिटेड विद। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10,000 होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ईओ क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 200 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सेल इज़ 2,40,000 परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% परचेज अमाउंट इज 1,000 1,75,000 स्टॉक इज 30,000 द ओपनिंग स्टॉक विल बी। तो इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर एक्सेप्टेंस वाई द ड्रॉ और ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है, थोड़ा डाउट है मेरे को, एंडोर्समेंट हो सकता है, बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, द टर्म डैश इज़ यूज टू राइट ऑफ इन द वैल्यू ऑफ लीज होल्ड इज। तो इसका जो राइट आंसर है, आई थिंक थोड़ा मेरे को इसमें भी डाउट है, लेकिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डिप्लेशंस। नेक्स्ट है, द वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट विल बी तो डिडक्टिव फ्रॉम द कॉल्ड अप अमाउंट कॉल्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लेटर ऑफ क्रेडिट इज प्रेजेंटेड बाय। तो इम्पोर्टर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स सर्विस कुड नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ए प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो इसका भी आंसर मेरे को मिल नहीं पाया है, तो आप चेक कर लीजिएगा जब फाइनल आंसर की आएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन फर्स्ट व्हेन द एसेट्स अरेंज इन ऑर्डर टू देयर लिक्विडिटी। तो कैश इन हैंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एसेट्स नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है आपका, इन कैपिटल मार्केट लाइन एवरी इन्वेस्टमेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, द मॉडल दैट डेरिवेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक फ्रॉम द प्राइसिंग ऑफ द कंपेरेबल एसेट्स इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर रहेगा रिलेटिवली वैल्यू मेथड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व्ड इन। तो ये इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, द ट्विन फैक्टर, तो रिस्क एंड रिटर्न, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू द करंट यील्ड प्लस। तो इसका रहेगा कैपिटल यील्ड। नेक्स्ट है, अप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द सेट्स इज नोन एज। तो इसका जो
राइट आंसर रहेगा कैपिटल रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू द करंट मार्केट प्राइस नोन एज, तो डिविडेंड यील्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज मोर देन द बीटा ऑफ मार्केट देन द सिक्योरिटी इज, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्शन मार्केट, डीलर मार्केट, तो एनी ऑफ दीज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द ईयर टू एस्टेब्लिश कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन, तो 1908 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है BSE में कितनी कंपनियां हैं, तो 30 है इसमें। नेक्स्ट है द मोस्ट लिक्विड स्टॉक आर लिस्टेड इन द BSE, तो ए ग्रुप इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हु कैन बी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इन इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रैक्टिव सेक्टर, तो इसका जो राइटिंग आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक साइकिल आर यूजली मेजर्ड बाय टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन ग्रोथ रेट इज, तो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसीज अप्लाई ड्यूरिंग, तो रिसेशन, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI, तो रेपो रेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग द माइक्रो इन्वायरमेंट फ्रॉम करो इन्वायरमेंट इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रडिक्टरी मोनिट्री पॉलिसी इज बिल्ट बाय, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टाइट मनी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है डो थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स एच डो इन ईयर, तो 1900, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है आपको वैल्यू ऑफ शेयर एक्सपेक्टिंग डिविडेंड ऑफ 4 पर शेयर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द प्राइस ऑफ द एंड ऑफ द ईयर इज 16, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 18.18। नेक्स्ट है द कॉन्स्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज प्रोपाउंडेड बाय, तो विलियम शार्प पे इसका राइट आंसर है, लेकिन इसमें सॉरी गॉर्डन इसका राइट आंसर है, मैं गलत बोले, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कॉन्स्टेंट डिविडेंड, तो 41 का ऑप्शन डी गॉर्डन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है द एच मॉडल इज इक्विटी वैल्यूएशन वर डेवलप बाय, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ऑफ देम आर फुलर और CC हैसिया। नेक्स्ट है गिल्टेड एज सिक्योरिटीज आर, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड री इन्वेस्टमेंट रेट इज, तो पॉजिटिव रहेगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द परचेज ऑफ एंड सेल ऑफ बॉन्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न इज नोन है, तो बॉन्ड स्वैप इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंबिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड सिस्टमैटिक रिस्क इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो रिस्क। नेक्स्ट है आपका कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय, तो इसको इसका जो राइट आंसर है विलियम शार्प पे भी है और जैक टर्नर भी है, तो दोनों नहीं किया है, तो इसका कन्फ्यूजन है कि आंसर क्या आएगा। कैपिटल मार्केट लाइन डज नॉट कवर द, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है लेजर इज ए बुक ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाइनल एंट्री। नेक्स्ट है इन परचेज लेजर अकाउंट ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, ट्रेड क्रेडिटर ओनली आर मेंटेन्ड। नेक्स्ट है एरियर अकाउंट कैन नॉट हैव, तो इसका तो राइट आंसर रहेगा क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम जर्नल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन ए लेजर इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं हम पोस्टिंग। नेक्स्ट है इम्पर्सनल लेजर इज आल्सो नोन एज, तो स्पेसिफिक लेजर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज अमाउंट इज कंसीडर सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डिक्रीज्ड बाय डेबिट एंट्री, तो कैपिटल अकाउंट इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हेन इज नेसेसरी टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा व्हेन जर्नलाइजिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द डेबिट बैलेंस इन ए नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट शो, तो नॉमिनल अकाउंट्स में जो डेबिट बैलेंस होता है तो एक्सपेंस को शो करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट ऑफ ए कस्टमर इज लाइकली टू हैव, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पर्सनल अकाउंट में बोथ डेबिट और क्रेडिट रहेगा,
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस किसका रहता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कैश सेल आर रिकॉर्डेड इन, तो कैश बुक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द टर्म इंप्रेस सिस्टम इज यूज टू रिलेशन, तो पेटी कैश में यूज़ होता है, ऑप्शन डी। ए कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन, तो कैश बुक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द पीरियोडिकल टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, पर डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है सेल बुक इज मेंटेन्ड बाय, तो सेल बुक में हम क्रेडिट सेल की एंट्रीज करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बैलेंसेज है, तो ये होता है लिस्ट ऑफ बैलेंसेज, ऑप्शन सी। मार्सलिंग ऑफ बैलेंस शीट मीन्स, तो ऑर्डरिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ऑप्शन ए। बुक कीपिंग इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एरर आर, तो ये होती है अनइंटेंशनल मिस्टेक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो इज, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है द विच लेजर इज क्रिएटेड इन बाई टैली ऑटोमेटिकली एज सून एज वी कैन क्रिएट इन न्यू कंपनी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कैश और पी एल अकाउंट। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज यूज टू मेक चेंजेस इन द क्रेडिट ग्रुप ऑफ लेजर इन टैली, तो चेंजेस हम अल्टर से करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मैनी वाउचर टाइप इज रेडली अवेलेबल इन टैली, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 18। नेक्स्ट है वेयर डू वी रिकॉर्ड द कैश सेल इन टैली, कैश सेल की हम करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। बॉटम ऑफ द टैली स्क्रीन शो, तो कैलकुलेटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मैनी इनबिल्ट ग्रुप आर इन टैली डिफॉल्ट, तो 34 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन टैली देयर आर तो टू प्री डिफाइंड लेजर, तो ऑप्शन सी टू होगा इसका। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्निंग टू क्रेडिटर अल्टर चलान व्हाट बिफोर बिल वी नीड टू पास, तो रिजेक्शन आउट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इज डिफाइंड अंडर, तो लाइबिलिटी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल एंट्री मोड इज अप्लीकेबल, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस रिसिप्ट वाउचर काउंटर वाउचर और पेमेंट वाउचर तीनों में यूज होता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कम अंडर विच ग्रुप, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका राइट आंसर है फॉर। नेक्स्ट है फॉर एक्सपोर्ट डेटा फॉर द कंपनी टू कंपनी टैली यूज, तो XML फॉर्मेट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द ऑप्शन यूज इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनीज, तो क्लोज करने के लिए हम शट कंपनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट ए कंपनी इन टैली, तो F1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टैली पैकेजेस वाज डेवलप्ड बाय, तो टैली सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच मेन्यू इज क्रिएट ए लेजर ग्रुप वाउचर टाइप इन टैली, तो मास्टर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टैटिस्टिक्स का है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है आपका कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 38.46%। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंटेड अलोंग विद, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वाई एक्सेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो को इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज क्लासिफाइड एज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पैराबोल्स। नेक्स्ट है इफ़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फोर आइटम इज सिक्स व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइटम, तो आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, वैसे यही है। नेक्स्ट है डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज अलाउड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 24 सेक्शन। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो 1,50,000, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द प्रोविजन रिगार्डिंग TDS ऑन सैलरी आर कंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो ऑप्शन सी 192 सेक्शन है। नेक्स्ट है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम द मेयर मीन इज ऑलवेज 0, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। रेंज निकालना है, तो 17 इसका राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है कस्टमर ड्राइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटीज, तो 0 इसका राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट है विद यू ऑल द वे
ये किसका स्लोगन है? तो SBI इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंटीजन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज़। तो रिजल्ट ओरिएंटेड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन कैन बी डिफाइंड एज, तो बेनिफिट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है माइनर कैन बी एन, तो इसका राइट आंसर है अजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच लैंग्वेज वाज यूज, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द कंट्रोल यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। नेक्स्ट है MICR स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है द कैथोड रे ट्यूब इज, तो डैश इन शेप, तो इसका जो राइट आंसर है सिलेंड्रिकल, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो आप इसके लिए आप रिट डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सस्पेंस में है, तो आप इसका नंबर ले सकते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन CD रोम इज द फॉर्म ऑफ, तो बाइनरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डिवीजन निकालना है बाइनरी नंबर्स का, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1106 का। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रेफर टू, तो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच डिस्क इज यू टू कोल्ड बूट ए पर्सनल कंप्यूटर, तो सिस्टम डिस्क का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन MS विंडो स्टार्ट बटन इज यू टू सेलेक्ट द ओपन स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन MS वर्ड टेक्स्ट कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव इन डिफरेंट कलर सेव बाई यूजिंग, तो वर्ड आर्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन MS एक्सेल फ्रॉम विच टूल वी कैन चेंज द चार्ट टाइप, तो फॉर्मेटिक टूल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज़ यू टू मेक स्लाइड शो, तो स्लाइड शो तो MS पावर पॉइंट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द यूज़र हु इजी टू यूज मेन्यू आर कॉल्ड, तो नेव यूज़र इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो है वो है इन MS एक्सेस विच इज़ यूज टू स्टोर द डाटा, तो टेबल इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डाटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस कैन अकर इन ए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स तीनों फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है इन OSI मॉडल द डाटा लिंक लेयर परफॉर्म, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी डिटेक्शन ऑफ एरर एंड करेक्शन ऑफ द एरर। नेक्स्ट जो है विच इज ए वेब नेव प्रोटोकॉल, तो HTTP इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए बोरम दैट परफॉर्म यूजफुल टास्क व्हाइल साइमल्टेनियसली अलाउ द डिस्ट्रक्टिव एक्ट इज, तो टोर्जन हाउस बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड, तो ऑप्शन ए 1 and 1। नेक्स्ट है द टैब ऑफ द एक्टिव सीट इन द वर्कबुक इज ऑलवेज, तो ऑप्शन ए बोल्ड रहेगी। नेक्स्ट है एज पर द सेंसेक्स 2011 एरिया वाइज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 18, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बीच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल, तो रेणुका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुजोता फेयर जो होता है वो आपका हमीरपुर में होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सोफा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो है आपके अंदरेटा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मुरंगला जो माउंटेन है वो है आपके लाहौल स्पीति में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बल वैली कहाँ पे है, तो ये मंडी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो पत्थर का खेल क्या है, तो एक मेला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फेमस पर्सनैलिटी किनकरी देवी ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये करती है आपकी सिरमौर से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोकसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रथम प्रतिनिधित्व करने वाली महिला है जो है वो राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिंका पहाड़ी जो दर्रा है वो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बुस्सर शहर की स्थापना की थी प्रद्युमन ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है चंदेरीगढ़ जो है वो है आपका चांदपुर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने नगरकोट पर कब्जा किया था, तो इस पर उसने किया था 1337 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है धाबरी सूडा जल परियोजना जो है वो है आपकी यमुना में यमुना नदी के
पर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है वो है विश्व का सबसे उच्चतम गांव है, वो है किब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका जो ऑप्शन सी जो है वो आंसर नहीं आएगा। इसका जो ऑप्शन है वो रहेगी 378, तब जाके ये क्वेश्चन ठीक आएगा। तो इस ये क्वेश्चन भी रॉन्ग है, इसमें जो ऑप्शन थी वो दी नहीं गई है, तो इस पे भी आप रिट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी अल्फ़ाबेट विल बी रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द वर्ल्ड फॉरगेट अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 2। नेक्स्ट जो है आपका जो राइट आंसर है आई थिंक हाँ बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, 139 का। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, विच कंट्री इज रिसेंटली स्पॉटेड द रॉयल बंगाल टाइगर एट द एटीट्यूड ऑफ ओवर 3000 मीटर अबव द सी लेवल। तो नेपाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोई लवर ब्रिज जो हाल ही में खबरों में था वो कहाँ पे है, वो बिहार में है। नेक्स्ट है गूगल इंडिया के अनुसार गूगल पर 2020 में सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला व्यक्तित्व, तो वो थे जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है गो फॉर जीरो पॉलिसी, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने चलाई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वेदा विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यजुर्वेद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 144 का। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो ऋषभ नाथ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच रूलर बिल्ट द सन टेम्पल इन कोंकण, तो नरसिंह देव 1 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज द सन ऑफ बाबर, तो हुमायूं इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो था वो हुआ था 1845-46 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग फिर से एक हुए थे, तो वो लखनऊ सेक्शन 1916 में हुए थे। तो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 150, जो कोलाइटम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो नेपच्यून, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बोरा क्या है, तो एक स्थानीय भवन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बेस्ट की तरफ कौन सी नदी बहती है, तो लूनी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच डिवाइड इंडिया इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल क्लाइमेट जोन, तो कर्क ब्रीथ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पार्ट के अंडर आते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कौन सा संसद का निचला सदन है, तो लोकसभा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो कैग इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रहता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच मिरर इज यूज टू लुकिंग ग्लास, तो प्लेन मिरर इसका राइट आंसर है। ड्राई आइस इज ए, तो ये होती है सॉलिड CO2। नेक्स्ट है इफ ह्यूमन बींग हर्ट है, तो चैम्बर रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है आपको सेल्यूलेट्स का, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आप चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट है मेरे को। नेक्स्ट जो है वो अनवर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल टास्क रिएक्शनिस्ट, तो वो होता है आपका एक्रोवेट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मिस्टर शेखर डैस द लेटर ऑफ रिटर्न पोस्ट, तो इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन सी, आंसर्ड रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है मीनिंग बताना है आपको idioms का, टू टेम्प्ट प्रोविडेंस इज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टू टेक
रेकलेस रिस्क नेक्स्ट है, लोकतंत्र का संधि विच्छेद, तो लोक जमोत्तर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राज दरबार में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है। नेक्स्ट है हित का विश्लेषण, तो हितकारी रहेगा। उदय का पर्यायवाची आरोहण रहेगा। तो ये था पेपर, आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैक्सिमम मैक्सिमम इसमें 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जिनमें आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, लेकिन इससे ज़्यादा आपको इसमें गलत नहीं मिलेंगे आंसर। 4 से 5 ही क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, शायद इससे भी कम हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने मार्क्स भी शेयर करें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। धन्यवाद।